तुम? शिवदत्त ऐसे बिल्कुल नहीं है, हमारे होते हुए किसी पराई औरत पे नजर भी नहीं डालेंगे। झूठ का पर्दा तो तुम्हारी आंखों में पड़ा है श्यामला, जो सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पा रही। मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं जो मेरे पति पे लांछन लगा रही है? हो सकता है मौत के भय से तुम मुझे ये सब बोल रही हो। एक पतिव्रता स्त्री हूं मैं, और मेरे धर्म का पालन करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अगर तुम पतिव्रता हो तो हमने भी वीरेंद्र से सच्चा प्रेम किया है, और हम तुम्हें या किसी को इस प्रेम के बीच नहीं आने देंगे। चंद्रकांता, रुक जाओ, तुम इसे ऐसे पराजित नहीं कर सकती, रुक जाओ। अग्नि, पिच्छू अग्नि से डरते हैं। चंद्रकांता, हमें पुराने शिव मंदिर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ एक तांत्रिक है जो इन बिच्छुओं को वश में करके इनके लोग भेज देता है। इससे पहले कि जहर का असर और बढ़ जाए हमें शिव मंदिर पहुँचना होगा। आँखें खुली रखो। जयादित्य, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? इन सब बातों के जवाब हम आपको बाद में देंगे महारानी। अभी आप बस ये जान लीजिए कि ये तारामती है, सुंदरगढ़ की राजकुमारी। ये तारामती है तो महाराज कित सिंह के साथ वो जो लड़की है वो कौन है फिर? वो पिताजी। बेटी, भगवान का शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत है, मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिए महारानी, हम एक ऐसे दुश्मन के इशारों पर काम कर रहे थे जिसका हमने चेहरा तक नहीं देखा। उसने राजकुमारी तारामती को बंदी बना रखा था, और उनकी जान के बदले वो हमसे मनचाहा काम करवा रहा है। क्षमा करें महाराणा, युवराज जय आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने महाराज को जो पत्र भेजा था वो उसी अग्निमानव के कहने पर भेजा था। मैं तो युवराज जय आदित्य और तारा के रिश्ते की बात लेकर आने वाला था। जय आदित्य और तारा के विवाह की बात? मैं कुछ समझी नहीं। जी हाँ महारानी, युवराज जय आदित्य और मेरी बेटी तारा आपस में बेहद प्रेम करते हैं। मैं तो रिश्ते की बात छेड़ने वाला था, इसी बीच उस अग्नि मानव ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। साथ साथ उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरी बेटी को मार देगा। वाह, इतने बड़े राज्य के महाराज होकर एक साधारण अग्नि मानव के हाथ आप मजबूर हो गए? महारानी, मनुष्य को मारना आसान है लेकिन किसी मायावी शक्ति का मुकाबला करना मेरे वश की बात नहीं है। आप बातों में समय व्यर्थ ना करें, युवराज वीरेंद्र की जान खतरे में। वीरेंद्र? उनके साथ जो लड़की है वो कोई मानव नहीं, पिच्छू कन्या श्यामला है।
कि पंडित जी, युवराज वीरेंद्र को एक जहरीले बिच्छू ने डंक मारा है। जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल रहा है। इनके प्राणों की रक्षा कीजिए। महादेव के आशीर्वाद से तो कोई भी विष निस्तेज हो जाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान कीजिए और युवराज वीरेंद्र को बचा लीजिए। बचा लीजिए पंडित जी। महाराज वो तो चुनारगढ़ से चले गए, अब पता नहीं वो कहां पे हैं। वीरेंद्र को मौत के घाट उतारने का वादा किया था तुमने हमसे, वो अभी तक जिंदा है। क्या हुआ हा? तुम्हारे जहर का असर नहीं हो रहा है या तुम उसे मारना नहीं चाहती हो? तुम्हारे चेहरे पर ये मौत का खौफ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अरे जब तुम हमारे किसी काम की ही नहीं तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या करेंगे? आज तुम्हारा अंतिम संस्कार ही सब। भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, मेरे आदेश का पालन कर रही है ये, जिसे मैंने कहा था वीरेंद्र को जिंदा मेरे पास लेकर आना। खूंखारों के इतने सख्त पहरे के बावजूद भी वो चुनारगढ़ से बाहर कैसे गया? महाराज बिना श्यामला की मदद से शिवदत्त का चुनारगढ़ से निकल पाना संभव नहीं। हमने श्यामला को हुक्म दिया था कि वो वीरेंद्र को बंदी बनाकर चुनारगढ़ लेकर आए। महाराज वो तो उनकी धर्म पत्नी है, शायद इसलिए। सत्य है श्यामला शिवदत्त की पत्नी है और वो भी पतिव्रता। मुमकिन है कि वो एक बार मेरे आदेश का उल्लंघन करे, उसका अनादर करे, लेकिन शिवदत्त तो उसका पति है, उसके हर आदेश का पालन करना उसका धर्म है। स्वागतम राजकुमारी, सुस्वागतम। आखिर कुएं को प्यासे के पास आना ही पड़ा। अब समझ आया, अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने उस बिच्छू कन्या का इस्तेमाल किया। अरे राजकुमारी, वो धर्म पत्नी है हमारी,
तो सिर्फ अपना धर्म निभा रही। अरे आप तो नाराज हो जाती हैं। स्वामी शाबाश श्यामला। हमारे पिता का आदेश ना मान करके तुमने आखिरकार वेंद्र को हमारे तक पहुंचा ही दिया। क्या बात है। और सोने पे सुहागा चंद्रकांता को भी हमारे हवाले कर दिया। वाह वाह श्यामला, अब तुम वीरेंद्र कुमार अपना वादा पूरा करो और हम इस चंद्रकांता के साथ अपना हिसाब चुकता करते हैं। शिवदत्त, अरे तुम खड़ी क्यों हो, जाओ मारो उसे, जाओ। इसे तो नहीं शामला, छोड़ो हमें। हमने कहा छोड़ो, गंदे हाथों से मत छुओ हमें। आज कोई नहीं बचा सकता है तुझे हमसे। रुक जाओ, हमारी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं। आपका पति आपसे झूठ कह रहा है। वो हमारे और चंद्रकांता के बीच में आना चाहता है। वो हमें एक होने से रोकना चाहता है। झूठ बोल रहे हो तुम, क्यों करेंगे वो ऐसा? चंद्रकांता प्यार ताकत भी है और कमजोरी भी। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती चंद्रकांता, कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। छोड़ दो हमें, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, क्या चाहती हो हमसे? अरे तुम्हें देखते ही हमारे तन बदन में आग लग जाती है। क्या चाहते हैं हम तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। सिर्फ इतना कि तुम हमारी हो जाओ बस। उस समय नहीं हो सकी तो क्या हुआ, इस समय हो जाओ। देखो हमारे एक इशारे की मोहताज है तुम्हारे आशिक की जान। मान लो हमारी हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ियो ने। हट, आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। आज तो इसे कोई नहीं बचा सकता हमारे हाथों से। छोड़ो हमें शिवदत्त, छोड़ो शिवदत्त, छोड़ो उसे। ना, हमारे बीच मत आना। हमारे और चंद्रकांता के बीच में मत आओ श्यामला। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं पर उसे नहीं, बहुत तरसाया उसने हमें। हटो, श्यामला। माता विषहरी के अनुष्ठान के दिन बिच्छू की काटने की वजह से किसी मानव की मृत्यु होना बहुत ही अपशकुन है। इस पवित्र दिन समस्त बिच्छू वंशज को जहर उगलने का मनाही है। हाँ श्यामला, हम सभी बिच्छुओं पर माता विषहरी का प्रकोप टूटेगा और अगर इस इंसान की मौत हो गई तब तो आपके भाई जिसने इसे डंक मारा है कभी नहीं बच पाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ना ही हमारे भाई को कुछ होगा और ना ही माता विषहरी का श्राप हम पे लगेगा। कोई तो उपाय होगा ना इस मानव को जीवित करने का। हाँ श्यामला, केवल एक ही उपाय है, तुझे इस मानव से गंधर्व विवाह करना होगा और अपनी शक्तियों से इस मानव के शरीर में सारा विष
प्रवेश कराना होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये मानव जीवित हो सकता है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तुमसे विवाह किया हमने, अपनी सारी शक्तियां दे दी तुम्हें। वो लोग कहते हैं ना कि बिच्छुओं की फितरत में होती है डंक मारना, पर तुम जैसे इंसान, तुम्हें तो बस धोखा देना आता है, धोखा। अरे मेरी जान, भूलो मत, तुम हमें अपना सारा विष दे चुकी हो। तुम्हारे विष का कोई भी असर हम पे नहीं होगा। हाँ हटो, चलो। जहर ना सही, ये तलवार तो तुम्हारे टुकड़े कर ही सकती है। ये तुम क्या कर रही हो श्यामला? इनकी बातों में आकर कोई गलती मत करो, भूलो मत, हम तुम्हारे पति हैं। होश में आ। होश तो अब आया है हमें, और नहीं, और नहीं। चलो बाहर, चलो। चंद्रकांता, इस भस्म को वीरेंद्र के शरीर पे मल दो और शिव मंत्र का जाप करो, यही एक काट है मेरे विष का। जल्दी तुम चलो। हमारे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया श्यामला। विश्वासघात हमने नहीं, आपने किया है। मर्यादा रखकर हम आप पे वार नहीं कर रहे हैं, अब भी वक्त संभल जाइए। हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उस चंद्रकांता को तो हम छोड़ेंगे नहीं, भले ही हमें तुम्हें तुम्हारी प्रजाति को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। विधि के विधान को खंडित मत करो श्यामला। चली जाओ जहां से आई हो, जाओ। और मैं शिवदत्त को अपने साथ ले जाता हूं। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं।